हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आप इन 15 पौधे को घर में लगाना ना भूलें, क्योंकि ये पौधे धन को आकर्षित करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको लगाने से धन की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और घर के सुंदरता के साथ साथ ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इन 15 पौधे के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, जिसे आप इस समय लगाते हैं घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ आपके धन सुख शांति खुशहाली में ये सारे प्लांट्स बरकत करेगा। क्योंकि वस्तु के अनुसार आप बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसे आप घर में लगाते हैं तो धन में वृद्धि होती है, साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। घर के हवा को शुद्ध करते हैं, तो इन पौधे को आप लगाना ना भूले इस दिवाली के शुभ अवसर पर। मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स को आसानी से जान पाए। इन पेड़ पौधे को अगर घर में हम लगाते हैं तो उसके बदले हमारे घर के हवा को शुद्ध करते हैं, खाने को फल फूल देते हैं। तो दोस्तों, इन सारे पेड़ पौधे को आप लगाइए और घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। दोस्तों, चलिए मैं उन 15 पौधे के आपको नाम बताता हूँ जिसे आप लगाइए। पहला पौधा होता है लक्ष्मी कमल, यानी लक्ष्मी जी का वास होता है इस पौधे में। तो इस ऐसी मानता है कि यह पौधे को चुंबक की तरह खींचता है और इसे दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला यह प्लांट्स है, और इसमें पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, और घर के आर्थिक तंगी को भी यह लक्ष्मी कमल का पौधा दूर करता है। तो इस पौधे को आप पास के नर्सरी से ले आइए। अगर इसे आप एक बार अपने घर में ऐड करते हो तो एक प्लांट से आप इसे सैकड़ों प्लांट्स फ्री में तैयार कर सकते हैं। यह लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा होता है लक्ष्मी कमल। तो इस पौधे को आप लगाइए, घर में सुख शांति समृद्धि और पैसे की कमी नहीं होगा इस प्लांट्स को लगाने से। और यह पौधा बहुत कम देखरेख में सालों साल गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जेट प्लांट कसूलावट यानी धन लक्ष्मी प्लांट्स को भी घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करता है, या भी पैसे को चुंबक की तरह खींचता है, ऐसी मान्यता है। और ये भी पौधा बहुत ही कम देखरेख में अपने एक बार गार्डन में ऐड करते हैं तो सालों साल चलता है। और इसकी पत्ती छोटी छोटी होती है, हरी चमकदार होती है और देखने में यह खूबसूरत लगता है। यह हमारे घर के सुंदरता तो बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे घर में धन वैभव सुख शांति लाने में मदद करता है। उसके बाद आप ब्रजालिया लकी वुड प्लांट्स को लगाना ना भूले। दोस्तों, इस पौधे को इस समय लगाने का प्रचलन चला हुआ। यह पौधा हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करता है, पॉजिटिव एनर्जी संचार करता है एवं घर के हवा को शुद्ध करता है और यह धन को आकर्षित करता है। तो इस पौधे को आप जरूर लगाएं। उसके बाद अगला पौधा होता है एलोवेरा का। एलोवेरा का पौधा भी घर में लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन को आकर्षित करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और घर के हवा को शुद्ध करता है। यह भी पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलता है। अगर इसे आप एक बार एक प्लांट्स को लाते हैं तो आप उसे सैकड़ों प्लांट्स घर में आसानी से जनरेट कर सकते हैं, और बहुत कम देखरेख में इस पौधे को आप लगाकर गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप हार सिंगार के पौधे को लाइए अपने घर में। यह पौधा बहुत ही शुभ पौधा होता है और यह ऐसा पौधा है कि धरती पर स्वर्ग से लाया गया है, इसलिए इस पौधे का विशेषकर खास पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है। और यह ऐसा पौधा है कि रात में फूल खिलता है, सुबह अपने आप टूट के निकल जाता है और इसका पुष्प भगवान भोले शंकर को चढ़ाया जाता है। यह पौधा घर में सुख शांति समृद्धि पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता, धन को आकर्षित करने वाला पौधा है। तो इस पौधे को आप जरूर लगाएं, यह भी पौधा सालों साल चलता है। उसका अगला पौधा अपराजिता का पौधा होता है, जो कि विष्णु जी का सबसे प्रिय पौधा होता है। और इस पौधे का भी खासियत यह है कि यह धन को आकर्षित करता है, सुख शांति समृद्धि घर में बनाए रखता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। यह पौधा हमारे हेल्थ बेनिफिट में भी बहुत कारगर काम करता है। तो दोस्तों, इस शुभ पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, और इस प्लांट्स को भी आप गमले में लगाकर आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, गुड लक प्लांट लक्की प्लांट के नाम से मशहूर है लक्की बाम्बू ट्री। यह पौधा भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और इसे ज़्यादातर लोग ऑफिस, ड्राइंग रूम
या लिविंग रूम में रखते हैं, यह हमारे घर के हवा को शुद्ध करता ही साथ ही साथ धन को आकर्षित करता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में जरूर ऐड करें इस समय। और इस पौधे को आप पानी में और मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत लो मेंटेनेंस में सालों साल चलता है। दोस्तों, यह भगवान भोले शंकर का सबसे प्रिय पौधा यानी रुद्राक्ष का है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को लगाने से घर में वस्तु दोष दूर होते हैं, सुख शांति स्मृति बनी रहती है और धर्म का आगमन अच्छी तरह से होता है। अब इसकी ऐसी वैरायटी आ गई है जिसे आप गमले में लगाते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को आप गमले में लगाकर प्रॉपर सनलाइट में रखिए, यह पौधा आसानी से ग्रो करेगा। उसका अगला पौधा दोस्तों पान का पौधा होता है, जो कि बेहद ही शुभ पौधा होता है। इस पौधे का पत्ती का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है, लेकिन इसका हेल्थ बेनिफिट में भी बहुत कारगर काम करता है। इस पौधे को भी घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह भी पौधा सुख शांति स्मृति धन को आकर्षित करने वाला पौधा है। उसके बाद शमी का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वह वस्तु दोष को दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और इसके पत्ती एवं पुष्प भगवान भोले शंकर को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, यह पौधा बेहद ही शुभ पौधा होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है। यह प्लांट्स का देखभाल करना बेहद ही आसान है और इसे आप गमले में एक बार ऐड करते हैं, सालों साल पौधा चलता है बहुत ही आसानी से। उसका अगला पौधा आप तुलसी जी का है, जो कि घर में लगाना बेहद ही शुभ पौधा माना जाता है। आप राम तुलसी, श्याम तुलसी दोनों तुलसी के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। या घर में हमारे पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, वस्तु दोष दूर करता है और घर के हवा को भी शुद्ध करता है और मच्छर आने नहीं देता है। तो इस पौधे को जरूर लगाएं। उसका अगला पौधा आंवले का पौधा होता है, जो कि बेहद ही शुभ पौधा होता है। इस आंवले के पौधे का प्रायः सभी घरों में पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हेल्थ बेनिफिट में भी यह बहुत कारगर काम करता है। यह पौधा वस्तु दोष के दूर करने के साथ साथ आपके घर में सुख शांति स्मृति धन का आगमन करने में मदद करता है। उसके बाद अगला पौधा स्नेक प्लांट्स का होता है या एयर प्यूरिफाई प्लांट्स होता है। यह भी हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है, घर में सुख शांति स्मृति लाने में मदद करता है। इस पौधे को अगर आप इंडोर में रखते हैं तो घर की खूबसूरती तो बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, घर के हवा को शुद्ध करता है और अच्छी नींद लाने में यह पौधा मदद करता है। इस पौधे को जरूर लगाएं अपने गार्डन में एवं घर में। दोस्तों, अगला पौधा होता है मोर पंखी का पौधा, जिसे हम विद्या का पौधा कहते हैं और यह पौधा भी घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, घर में सुख शांति स्मृति लाता है और धन को आकर्षित करने वाला पौधा है। इसी मान्यता है कि यह पौधा जैसे जैसे आपके घर में वृद्धि होता है, आपके घर में सुख शांति स्मृति एवं धन का वृद्धि होता है। तो इस पौधे को आप जरूर लगाएं। उसके बाद अगला पौधा होता है पीपल का, जो कि बेहद ही शुभ पौधा माना जाता है। इस पौधे का हम लोग पूजा करते हैं और इसकी पत्ती तना जड़ छाल से आज भी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है, जो हमारे हेल्थ बेनिफिट में कारगर काम आता है और बेहद ही शुभ पौधा होता है। घर में सुख शांति स्मृति धन आकर्षित करने में यह पौधा का विशेष महत्व है, इसलिए इस पौधे को आप जरूर लगाएं और गमले में भी आसानी से यह पौधा ग्रो हो जाए। तो दोस्तों, इन सारे शुभ पौधा को आप अगर दिवाली के शुभ अवसर पर अपने घर में लगाते हैं या गार्डन में लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति स्मृति एवं घर में सुंदरता बढ़ती है और धन का आगमन होता है। तो इन सारे पौधे को पास के नर्सरी से जाइए और लेकर आइए और अपने गमले में जरूर लगाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करें और आप अपने पास के नर्सरी से इन सभी प्लांट्सों को ले जाकर इसमें घर में लगाकर गमले में ग्रो कर सकते हैं और इन सभी का केयर करना बेहद ही आसान है इस समय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।